यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर आचार संहिता लगी और इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल पत्रकारों से बातचीत की और आने वाले चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे इस पर बातचीत की। साथ ही मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सरकार के वादों की कलई खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर गठबंधन पर कहा कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। मैं जमीन पे हूँ, फील्ड में हूँ, जनता के बीच में हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता भी मजबूत सरकार चाहती है, मजबूर सरकार नहीं चाहती। पूरा देश भी मानता है, जानता है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। ये और जनता स्पष्ट रूप से ये चाहती है कि मोदी जी जो अतुल्य नेता हैं आज भारत के और दुनिया के, वो प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ा मुद्दा ये। दूसरा, सुरक्षित भारत कौन दे सकता है? जाहिर है पूरा देश जानता है और दुनिया भी जानती है कि केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। 2 बजे दनादन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है, लेकिन माफ़ कीजिए, अब चुनाव की घोषणा हो गई, अब पिंडली छोड़िए, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो उन्होंने कहा था, धान उठाई नहीं गई,